गाइस ओरियो के लिए क्यूट से कपड़े मिले, देखो भाई कितना क्यूट लग रहा है। तो ये ले रहा हूँ मैं, कछुआ लग जाएगा, पिकाचू पिकाचू, एक पिकाचू हो गई है। अबे क्या हुआ, मशीन खराब हो गई क्या? अबे ये तो आया जा रहे आए जा रहे आए जा रहे। कुनाली के लिए क्यूट से चप्पल मिल गया देखो, तो ये ले लेता हूँ मैं कुनाली के लिए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है मेरा लास्ट डे साउथ कोरिया में, और आज हम जाने वाले हैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? कुंगमिन यूनिवर्सिटी। बिकॉज मैंने कोरियन शोज में देखा गाइस, यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है जहाँ पे सारे कोरियन शोज शूट होते हैं। और हमारा जो फेवरेट शो है ना, ये वाला वेट लिफ्टिंग फेरी किम बोकजू, ये मेरी फेवरेट है। ये शो भी उसी यूनिवर्सिटी में शूट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले सबसे पहले हम सौरभ को जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वाले कपड़े होते हैं ना वो पहनाएंगे। ये है इस शो का मेन कैरेक्टर जो कि है किम बोकजू, मेरी फेवरेट। और ये है चुन्योंग, और जैसे ये हेयर स्टाइल कर रखा है ना, मैं सौरभ की वैसी हेयर स्टाइल करना चाहती हूँ। कैन आई? कर सकती हूँ? ओके, हो जाएंगे मेरे ऐसे बाल? अरे मैं आई एम नॉट श्योर, ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं मेरे ऐसे बाल होएंगे नहीं होंगे। तो अगर आपको भी देखना है वेट लिफ्टिंग फेरी, तो आपको अमेजन शॉपिंग ऐप को ओपन करना है, यहाँ पे मेरी टीवी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेट लिफ्टिंग फेरी, ये रहा, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। नहीं जरूर देखना, मैंने इसको अमेजन टीवी पर आने से पहले देखा था, और मैं वापस हिंदी में देखना चाहती हूँ। इसको आप पूरी फैमिली के साथ में देख सकते हो, मतलब काफी फनी भी है और वेट लिफ्टिंग के ऊपर है, और मतलब फन है, पूरा मस्त है एकदम। पहली बार आप सौरभ का माथा देखोगे, मांग बनाते हैं सौरभ की, बीच की मांग बना रखी है ना उसने। यार आपके बाल इतने स्मूथ है, मतलब कि मैं मांग भी बनाऊं वापस पहले जैसे आ जाते हैं। एक सेकंड, मेरे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नहीं लगाना, जल्दी करो, यूनिवर्सिटी भी जाना है। सो सौरभ के बाल इतने सॉफ्ट, नागिन जैसी जुल्फे है ना, क्लिप लगा दूं एक ऐसे? नहीं भाई। सही लग रहे हैं यार, मुझे देखना है यार खुद को कैसे लग रहा है। देख लूं क्या? ओके देख लूं। देख लूं? अरे वाह सही लग रहा है यार। अरे वाह सही लग रहा है यार, खराब नहीं लग रहा, सही लग रहा है। ऐसी तो है उसके बाल भी? हाँ गाइस मुझे तो सही लग रहा है यार। अरे नहीं, एकदम वैसे बाल हो गए। चलो भाई हेयर स्टाइल तो हो गया, अब चलते हैं स्कूल के कपड़े लेने के लिए। तो भी गाइस हम होटल से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। पहले हमको करनी है स्कूल के ड्रेस की शॉपिंग, तो चलते हैं, यहीं पे स्टोर है, वहीं पे चलते हैं सीधा शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग के लिए हमको जाना है इसके अंदर। पू हमको लेके आई है 8 सेकंड में, जल्दी जल्दी शॉपिंग करो, 8 सेकंड में शॉपिंग करो। तो फाइनली मेरे को यूनिवर्सिटी की ड्रेस मिल गई है। पू के लिए भी हम यही कलर ले रहे हैं। आप स्टूडेंट लग रहे हो प्रॉपर। गाइस अभी हमने अंगूर लिए हैं 850 रुपए के भाई, इतने से अंगूर, लेकिन देखो कितने बड़े बड़े अंगूर हैं, ये बहुत मीठे हैं, लेकिन 850 के तो महंगे हैं ना। भाई भूख लग रही थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो अंगूर ले लिए हमने मस्त। फाइनली पहुंच गए कुंगमिन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे शूट हुआ था कुंगमिन। गाइस ये तो मैंने शो में देखा था वेट लिफ्टिंग फेरी में, पूरा ऐसे ही था देखो। यहाँ पे मतलब आप शो देखोगे ना, आपको ये सब कुछ दिखेगा शो में। यहीं पे वो चल रहे होते हैं, यहीं पे भाग रहे होते हैं, यहीं पे। और जो लड़का है ना जुंगयोंग, वो यहाँ पे खेलता है उसमें। तो भी आ गए यूनिवर्सिटी की कैंटीन में, मतलब यहाँ बैठ के किम बोकजू वगैरह सब ना खाना वाना खाते थे, तो हाँ ये वही कैंटीन है गाइस। सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सभी यहाँ पे। गाइस इनकी ड्रेस यही है, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी ड्रेस। ये देखो ये ड्रेस है यहाँ की जो मैंने डाल रखी है ना, और ये यूनिवर्सिटी का कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, सारी कोरियन चीजें। गाइस ये देखो मेरे को क्या मिला यहाँ पे, सॉसेज। यहाँ पे खेल रहे टेनिस, मतलब ये पूरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ना, पूरे स्पोर्ट्स, मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो जोन है ना वो स्पोर्ट्स का है, तो यहाँ पर आपको टेनिस, वहाँ पर सॉकर, बास्केटबॉल और भी अलग अलग सारे हैं। और गाइस पुणे भी यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। हाँ वो भी कोरियन लैंग्वेज ओनली। तो गाइस पुणे मुझे पूरी यूनिवर्सिटी घुमा रही है, पूरी यूनिवर्सिटी काफी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सुंदर। तभी मैं आपको एक जगह पर लेकर जाऊंगी जो कि आपने इस कोरियन ड्रामा में बहुत सारी बार देखा होगा, और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप गैस कर पाते हैं। चलो देखते हैं गैस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। गाइस मैं काफी सारी चीजें यूनिवर्सिटी की दिखा नहीं सकता आपको, हमने बहुत घूमा बट काफी सारी चीजें मैंने शूट नहीं करी। ये रही वो जगह। ओ मैं समझ गया क्या है ये। क्या है ये? है किम के पापा का रेस्टोरेंट। बंद है क्या? ये रेस्टोरेंट शो में है, आप जाके देखना। आपको पता है यहाँ पे इतना अच्छा क्यों लगता है हमको? क्यों इतना सुंदर सुंदर क्यों लग रहा है ये? क्यों, क्या रीजन है सुंदर लगने का? I think सब बहुत well organized है और सब रूल फॉलो करते हैं। नहीं मतलब मैं देख रहा हूँ गाड़ियों के टायर में कहीं पे थोड़ी सी मिट्टी तक नहीं लगी हुई, किसी के टायर में मिट्टी तक नहीं लगी हुई। इवन भाई इतने दिनों से घूम रहे, देखो मेरे जूते भाई बिल्कुल सही के सही है, नए के नए जूते। चले रोड पे देखो, दरार तो यहाँ भी है, रोड टूटी तो यहाँ भी हुई है कहीं कहीं पे, बट फिर भी धूल नहीं है ना, एकदम क्लीन क्लीन लगता है यहाँ पे देखो।
और ये देखो रियल फ्लावर्स हैं, इस तरह से रखे हुए हैं, इस तरह से। और पेड़ थोड़े अलग है यहाँ पे, देखो इस तरह से लगा रखे हैं, एकदम लाइन में लगा रखे हैं पेड़, और नीचे पत्थर लगा रखे हैं, तो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज है इसलिए अच्छा लग रहा है। और ऐसे नहीं कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्टनेस है, पुलिस है, मेरे को तो कहीं पुलिस नहीं दिखी, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, कहीं भी जाओ कुछ भी घूमो, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज है, सब कुछ नॉर्मल है, मतलब इजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी। अगर आप इंडियन हो, वेजिटेरियन हो, तो बस खाने की दिक्कत आएगी आपको, खाने के अलावा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। गाइस पहले मुझे लगता था कितना मुश्किल होगा ऐसे बाहर कंट्री में घूमना, स्ट्रिक्टनेस होगी, कैसे घूमेंगे, कैसे पता चलेगा रास्ता वगैरह का, बट अब चला बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पे शॉपिंग के लिए। भाई हमने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की जब से हम आए ना, तो अब हमने बस लिया, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ की बहुत फेमस मार्केट में, होंगडे, क्या नाम? होंगडे। तो बस से उतर गए। So guys, ये वाला है मेरा फेवरेट स्टोर कोरिया में। यहाँ पर आपको क्यूट सी चीजें मिलेंगी और सब बहुत ही लाइक सस्ते प्राइस में। कोरिया का सबसे सस्ता मुझे सस्ता नहीं बोला यार। गाइस ये देखो शार्पनर, तो कुनाली के लिए ये ले रहा हूँ मैं, मम्मी के लिए क्यूट से चप्पल मिले मुझे, और इतने सॉफ्ट है ना भाई, बहुत ही ज्यादा। देखो मम्मी के पैर में दर्द होता है ना, सही रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, कंफर्टेबल, तो ये ले लेते हैं। एक ये ले रहा हूँ देखो, ट्रैवल के टाइम पे काम आएगा, इसमें कैंची भी है, धागे वागे हैं, बटन बटन, कई बटन बटन टूट जाते हैं ना, धागे वागे निकल जाते हैं, तो ये हम यूज कर सकते हैं ट्रैवल के टाइम पे, सही है ना? हाँ, मेरे पास भी सेम है ऐसा, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो इमरजेंसी के लिए रहना चाहिए। गाइस ये देखो मस्त चीज मिली, लेज, इसको मतलब इस तरह से लगा सकते हैं। देखो ओरियो के लिए क्यूट क्यूट टॉय है यहाँ पे, देखो ये लेते हैं, चलो ये लेते हैं ओरियो के लिए, डॉग्स की ग्लासेस भी है। हम शॉपिंग करके आए, बाहर तो अंधेरा हो गया देखो पूरा, गाइस चारों साइड देखो कितना प्यारा है, ये वाली स्ट्रीट भी, ये वाली स्ट्रीट भी, ये वाली स्ट्रीट भी, सब जगह वाइट लैम्बोर्गिनी। तो अब गाइस हम आए स्किन केयर प्रोडक्ट लेने के लिए यहाँ पे, बिकॉज साउथ कोरिया के बहुत फेमस होते हैं ना, तो अपने लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए ले लेते हैं। सबसे पहले इसके साथ फेस वॉश करना, ठीक है? फिर फेस वॉश हो जाए, ड्राई करने के बाद में ये टोनर आता है, पानी जैसा आता है ये वाला, ओके? ये लगाना, फिर थोड़ा ड्राई हो जाए तो ये लोशन थोड़ी क्रीम टाइप में आती है, क्रीमी, ये वाली लगा लेना, एंड टिप टॉप हो जाएगा। तो भी गाइस मैं आया था नाइकी शूज लेने के लिए साहिल के लिए, क्योंकि ये वाले पसंद आए साहिल के लिए, तो मैं ये ले रहा हूँ साहिल के लिए। मैंने साहिल के लिए जूते ले लिए, देखो देखो कैसे हैं, आई होप साहिल को पसंद आए। मैंने उसको दिखाया नहीं है, दिखाया नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं है। हाँ देखो देखो, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, ये अलग है, ये अलग है। गाइज मेरे को यहाँ पे क्यूट सा कवर पसंद है, देखो सिंचैन वाला, यार बहुत क्यूट है, यहाँ पर सिंचैन के बहुत सारे अलग अलग रंग बिरंगे, तो ले लूँ ये वाला, ले लो ले लो। गाइज ये देखो यहाँ पे चप्पल वाले केस भी हैं, कितने क्यूट से हैं चप्पल वाले, इसमें फोन डलता है, मस्त लग रहे हैं। कोरिया में ऐसे बहुत आपको क्यूट सी चीजें दिखेंगी। तो एयरपोर्ट के लिए मुझे ये पसंद है और फोन के लिए पसंद है, तो ये दो चीजें। गाइज ये मार्केट देखो रात को कितनी प्यारी लग रही है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ क्यूट क्यूट, सारा नीचे भी कलरफुल है देखो पूरा। गाइज ओरियो के लिए क्यूट से कपड़े मिले, देखो भाई कितना क्यूट लग रहा है, तो ये ले रहा हूँ मैं, कछुआ लग जाएगा, कछुआ लगेगा। और ये ड्रैगन वाला भी है, ड्रैगन वाला भी है, और ये पिकाचू, 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 एक पिकाचू। गाइस ये बैग देखो, ये डॉग या फिर बिल्ली को ले जाने के, जिसके पास छोटा छोटा डॉग हो ना और छोटी बिल्ली हो, इसके अंदर डाल के जा सकते हैं, यहाँ पे छेद भी, यहाँ से सांस ले सकते हैं। गाइस ओरियो के लिए कितने मस्त कपड़े मिल गए यार, कितनी मस्त मार्केट है ये, सब कुछ हो जाएगा। अब फिलहाल आइसक्रीम खाते हैं, हाथ में ग्लव्स डाल के दे रहे हैं, कौन सी खाओगे? स्ट्रॉबेरी। तो हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है, हो गई है रेडी, हो गई है। अबे क्या हुआ, मशीन ख़राब हो गई क्या? अबे ये तो आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, अरे 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 खराब, ये खाना पड़ेगा हमको इतना इतना बड़ा। हाँ अरे मेरे पास सामान है हाथ में भाई, ये क्या है, ये तलवार है, यहाँ पर है ग्रीन टी और यहाँ पर है स्ट्रॉबेरी, ये तलवार की तरह नहीं लग रहा चुबा के ये भाई, ये तो मस्त है यार, वाओ वाओ कितनी क्यूट लग रही है। अनिल्ला तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई रेस्टोरेंट खाने के लिए, भूख लग रही है। तो गाइस अभी रात के 9 बजने वाले हैं, फिलहाल आए हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए, तो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, हमको स्क्रीन से ऑर्डर करना है स्पाइसी वाला। हाँ स्पाइसी। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, ये क्या मंगाया आपने? रामेन, रामेन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन है गाइस। तो भी गाइस मस्त खाना खा के आ गए हैं, अब अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं।
गाइज मेरे को तो ये तीन की रिंग पसंद आए हैं, एक पिकाचू का, दो स्पंजबॉब का और सॉक्स भी ले रहा हूँ, ये क्यूट क्यूट देखो, ठीक है शिनचैन और पिकाचू वाले। और गाइज आप ना पू के चैनल पे जाके पू को थैंक यू जरूर बोलना, बिकॉज उसने इतना घुमाया ना हमको, इतनी हेल्प की हमारी, तो पू को जरूर थैंक यू बोलना गाइज। लिपस्टिक दिला दो मम्मी के लिए बस, ये लिपस्टिक ऐसी होती है, हाँ ये लाइट वाली होती है पानी टाइप में, देयर सो गुड नेचुरल, फिर ऐसे खाना भी खाओगे ना पानी भी पियोगे फिर भी देखो रंग ऐसा रहेगा, उतरेगी नहीं। दो मम्मी के लिए, दो चाची के लिए, और ये स्किन केयर मम्मी के लिए। गाइज अभी एक दिक्कत आ रही है, हमने शॉपिंग कर तो ली लेकिन हमारे पास बैग ही नहीं है ले आने के लिए, तो बैग खरीदना पड़ेगा पहले तो भाई। गाइज मेरी शॉपिंग देखो, और इसमें मैंने अपने लिए बहुत कम लिया है, घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा लिया है, स्किन केयर बताने क्या जूते स्किन केयर ओरियो के लिए। गाइज फाइनली हमको बैग मिल गए हैं, अभी सारा सामान बैग में डालेंगे भाई। तो गाइज सारा सामान डाल दिया बैग में और मैंने ये वाला बैग लिया है वाइट कलर का। फाइनली अब चलते हैं सीधा होटल, और कल सुबह की हमारी फ्लाइट भी है वापस इंडिया की। कुनाली के लिए क्यूट से चप्पल मिल गए देखो, तो ये ले लेता हूँ मैं कुनाली के लिए, येलो कलर की। अभी शॉपिंग खत्म नहीं हुई है, लास्ट में मैं आया हूँ सबके लिए चॉकलेट और यहाँ की चीजें ले, खाने की चीज लेने के आने। तो भी गाइस सुबह के 4 बजने वाले हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, बिकॉज मेरी बॉडी अभी तक इंडिया के हिसाब से चले, इंडिया में भी 12:30 बज रहे ना, और अब मैं सोऊंगा भी नहीं, बिकॉज 6 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, हमारी फ्लाइट है ना इंडिया की, तो अब सोऊंगा नहीं, सीधे फ्लाइट में ही सोऊंगा। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, एंड गाइस जरूर जाके देखना, कोरियन शोज काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, मतलब उनका कल्चर वगैरह सब कुछ अच्छा लगता है, वो मतलब फैमिली के साथ में रहते हैं, एकदम फ्रेंड्स के साथ में रहते हैं, और एकदम कोरियन ड्रामा होता है, तो मतलब अच्छा लगता है, आप भी जरूर जाके देखना। वेट लिफ्टिंग फेरी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।